हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। आज की छोटी सी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन बीच में उनके अंदर कुछ डीमोटिवेशन फेजेस आ गए हैं एंड उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि उनसे इस साल क्लियर नहीं हो पाएगा। सो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करें तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जानते हो एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, DDC, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, चाहे एग्ज़ाम कितना भी डिफ़िकल्ट हो चाहे कितना ही इजी हो, अगर ये तीन क्वालिटी अगर आपके अंदर हैं तो आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी गाइस, इन तीन चीज़ों को अपने अंदर बिल्ड करके देखिए, फिर आपके जो रिजल्ट आएंगे ना वो आपको इतना इनर मोटिवेशन दे देंगे कि आपको पढ़ाई की भूख लग जाएगी। आपको उठते बैठते सोते जागते सिर्फ दिमाग में यही चलेगा कि किस तरह से मैं इस एग्ज़ाम में उतना स्कोर कर पाऊँ जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। और आप जानते ही हैं, अगर आपके अंदर ये तीन क्वालिटी हैं तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं, क्योंकि टॉपर और नॉन टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ क्वालिटीज़ का डिफरेंस होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं, मन भी करता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ने जब बैठते हैं तो मन नहीं लगता, मन भटक जाता है, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। और आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है स्टूडेंट्स के बीच में वो है स्मार्टफोन। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो अपने फ़ोन को अपनी मम्मी या अपने पापा को दे दो और उनसे कहो कि जब तक मैं अपना सेशन कंप्लीट ना कर लूँ आप मुझे फ़ोन वापस नहीं देंगे। और उन्हें भी ये जानकर खुशी होगी कि हमारा बेटा पढ़ने जा रहा है। तो आप जब इस तरह से अपना डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे ना तो आपके अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि आपने कुछ किया, और ये इनर मोटिवेशन को क्रिएट करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप डेली 4 घंटा मोबाइल को यूज़ करते हैं सोशल मीडिया यूज़ करने में, तो आप डे बाई डे थोड़ा थोड़ा उसका टाइम कम करते जाइए और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके अंदर मोटिवेशन बिल्ड हो चुका होगा पढ़ाई को लेकर के, तो आप फ़ोन को देखना बंद कर दोगे और फिर उसके बाद आपको पढ़ाई में मज़ा आने लग जाएगा। और ये आपको कंसिस्टेंटली जब तक करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। एडिशनली अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, आप जिस रूम में भी स्टडी करते हैं आप वहाँ पर उसके फ़ोटोज़ लगाइए। इनफैक्ट आप अपने फ़ोन में जो आप वॉलपेपर इस्तेमाल करते हैं उस पर भी आप उस कॉलेज का फ़ोटो लगाइए। रात दिन बस आपको उस कॉलेज के बारे में सोचना है जो आपका ड्रीम कॉलेज है, और ये करने से आपके जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत जल्दी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये टिप्स अगर आप डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आने वाले एग्ज़ाम में आप वो लेवल अचीव करोगे जो आप रियल में डिज़र्व करते हैं, और यही हमारा मकसद था। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि आप डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। सो गाइस, अगर आपका कोई फीडबैक, सजेशन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।